वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द 247 के टीजी सड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं सोलंकी आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ आपके आज के सेशन में भाई। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर करण रिंकी हैं, लवली हैं, सुहाना जी हैं और शीतल यादव हैं, खुशबू सिंह हैं। तो भाई सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अड्डा 247 के टीचर डेटा चैनल पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मेमोरी विच प्रोग्राम एट अ टाइम इज मैन्युफैक्चर्ड। वो मेमोरी सर जो प्रोग्राम बनाते समय होती है वो कौन सी होती है, रोम होती है या रैम होती है या पी रोम होती है या फिर ई पी रोम होती है। भाई आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ए होगा या फिर बी बनेगा या फिर सी बनेगा। जल्दी से बटाबट से दीजिएगा। प्रीति राजपूत जी गुड इवनिंग, नहीं गुड आफ्टरनून हो रहा है इसमें भाई। सारे बच्चे सेशन को फटाफट से शेयर कर देंगे। जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वो फटाफट सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देंगे जिससे कि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो भाई यहां पर आंसर बनेगा हमारा सी पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। पी रोम जो है आपका इज द राइट आंसर, ऑप्शन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द राइट आंसर। स्पेस दिया हुआ है स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परेली एंड पास इट ऑन एज अ डायरेक्टेड बाई द कंट्रोल यूनिट। डेटा या अस्थाई जानकारी को स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा उसको डायरेक्ट किए जाने के पास करता है, तो वो क्या कहलाएगा, एड्रेस कहलाएगा या फिर रजिस्टर कहलाएगा या नंबर या मेमोरी। बताइए, साल नहीं पढ़ते जाओ, ये सर क्लास यूपी टेट का सी टेट के लिए नहीं है। अरे भाई ये क्लास जो है मैंने बताया था कि KVS, सुपर टेट, NVS, DSSB वहाँ उन क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे भी हैं जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं NVS, KVS, DSSB सुपर टेट की, तो उनके लिए भी क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको आगे आगे पढ़ना है ये चीज़ें, ठीक है। तो डोंट बी कन्फ्यूज एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर, ये कहा है ना कि साल नहीं पढ़ते जाओ, प्रीति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सही पॉइंट यही है, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका आता है इन अ मैनर डिस्क डेटा इज ऑर्गेनाइज ऑन द प्लेटर, ठीक है। डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, वो आपका उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिंग कॉल्ड सेक्टर। मैनर डिस्क डेटा जो कंसेंट्रिक जो आपके सेट्स होते हैं रिंग होती हैं उनके ऊपर जो डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है उन डेटा उस को क्या कहेंगे आप। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रिंग हो गई, इसमें इस तरीके से रिंग बनी होती हैं और इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा आपका, तो ये जो पार्ट होता है ना ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो 47 का आंसर क्या बनेगा बेटा, 48 का ए होगा, 48 इज द ए आंसर, इसमें था आंसर ए बनेगा। बच्चों फटाफट से सेशन को भाई शेयर कर दो, कंप्यूटर की क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिससे कि जिन बच्चों को नहीं बताया है कि भाई अड्डा 247 के टीचर्स अड्डा पर क्लास चलती है कंप्यूटर की, तो वो बच्चे भी क्लास लेने आ सकते हैं। आपके साथ साथ यार और लोगों का भला हो जाएगा, क्या आप चाहते नहीं हो ऐसा, बात समझ रहे हैं आप। हाँ तो आंसर ए, आफ्टर कॉपी द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पेस्ट, यानी कि कंटेंट को कॉपी करने के बाद आप इसे कितनी बार पेस्ट करते हैं, 1 या फिर 8 या फिर 16 या फिर 32। तो
तो भाई आंसर ये आपका क्या बनेगा, ए होगा या फिर बी बनेगा या फिर सी बनेगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, आप जब कॉपी कर लेते हैं किसी भी कंटेंट को तो उसे मैनी टाइम्स कई बार आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो एनी बाउंडेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, कंप्यूटर प्रोग्राम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रक्शन कहाँ से प्राप्त होता है? हार्ड डिस्क से स्पेस प्राप्त होता है, या फिर कैश मेमोरी से, या फिर रैम से, या फिर रजिस्टर्ड से, या फिर नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। बताना आपको यह है कि यहां पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए होगा या फिर बी बनेगा या फिर सी बनेगा। तो भाई याद रखिएगा यहां पर आंसर बनेगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग, इसमें से मैच करना है। पहला मैच ये है कि ट्रैक क्या होता है, दूसरा सेक्टर क्या होता है, तीसरा बिट्स क्या होती हैं, चौथा आपका प्लेडर्स क्या होते हैं, और पांचवा आपका एक्सेस टाइम क्या होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन गुआ फरा करके है, लेकिन अच्छे तरीके से आप समझोगे समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो, हम ट्रैक की बात करते हैं तो देखो बिट्स क्या होता है, बाइनरी डिजिट, ये रहा ए। बिट्स का आंसर क्या बन जाएगा, बाइनरी डिजिट से। ठीक है, ट्रैक हो जाएगा आपका यहाँ पर ये रहा, ये रहा कौन से, सर्कल ऑन हार्ड ड्राइव, यानी कि डी। सेक्टर क्या बन जाएगा सर आपका, पाई सेव्ड वेज हार्ड ड्राइव, बिल्कुल ये रहा, सेक्टर बन जाएगा आपका ई। ठीक है, प्लेटर्स, प्लेटर्स होती है भाई आपका हार्ड ड्राइव कंपोजेबल ऑफ दिस स्टैक और स्पिंडल, तो ये हो जाएगा आपका बी। और बेटा एक्सेस टाइम हो जाएगा आपका सी, ये रहा समय जो एक स्टोरेज डिवाइस को लोकेट करने में स्टोर होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि फर्स्ट का क्या हो गया डी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी और फिफ्थ का सी, ये बन जाएगा। मैच करने में कोई भी दिक्कत हो तो भाई पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच, वो पार्ट जिसे आप कंप्यूटर का फिजिकली टच कर सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहते हैं या डिवाइस कहते हैं या पेरिफेरल कहते हैं या फिर एन एप्लीकेशन कहते हैं। तो बट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर हार्डवेयर, यानी कि जिन पार्ट्स को टच कर सकते हैं या छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है,
जिन पार्ट्स को टच कर सकते हैं या छू सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके हार्डवेयर। और जिन्हें आप टच नहीं कर सकते या छू नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सर द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेट इन द, यानी कि वो कंपोनेंट जहां पर आपके प्रोसेस करने वाले सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कहां पे लोकेट होते हैं? इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, सिस्टम यूनिट में या फिर स्टोरेज कंपोनेंट में? क्या आंसर बनेगा? पूनम शर्मा कह रही सर कौन सी क्लास है? पूनम जी ये क्लास है कंप्यूटर की। और कंप्यूटर कहाँ आता है ये बताने जो तो नहीं है, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं बेटा। कंप्यूटर आपका डी ट्रिपल एस वी, कंप्यूटर आपका के बी एस, कंप्यूटर आपका सुपर टेट, कंप्यूटर आपका एन बी एस, इन सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल है वंदना जी, बिल्कुल है, 5 नंबर का आएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, यानी किसी एक को छोड़ करके कोई ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो कौन सा है? क्या आंसर बनेगा इसका? स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ध्यान रखिएगा क्या आंसर बनेगा इसका। तो ये बनता है बेटा आपका यहां पर ऑप्शन डी प्रिंटर। प्रिंटर इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो भाई यहाँ पे स्कैनर तो है इनपुट डिवाइस, बाकी सारे आपके क्या हैं? आउटपुट डिवाइस। ठीक है विजय, शालिनी, वंदना जी, स्मिथा, पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, यानी कि किसी एक को छोड़ करके कौन ऐसा जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, ड्राइव, प्रिंटर या फ्लॉपी डिस्क या सीडी ड्राइव? तो भाई प्रिंटर नहीं होता, बाकी सारे किसमें आएंगे? आपके स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट द सीपीयू मेमोरी आर लोकेट, सीपीयू और मेमोरी जो होते हैं वो कहां पर लोकेट होते हैं भाई, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मदरबोर्ड पर, ध्यान रखिए ना, सीपीयू और रैम जो होते हैं आपके वो मदरबोर्ड पर होते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट ऑर्डर फॉर द 4 मेजर कंपोनेंट्स, जो आपके सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनमें से सही सीक्वेंस कौन सा है?
सबसे पहले सर आपका इनपुट होता है, ध्यान रखना, उसके बाद प्रोसेस होती है, देन आउटपुट एंड देन स्टोरेज। तो भाई यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर। इनपुट होता है, प्रोसेस होती है एंड देन आउटपुट। मैच द फॉलोइंग पोर्ट्स विच द डिवाइस मोस्ट लाइकली टू बी कनेक्टेड द आइटम। बीजीए पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है या इथरनेट पोर्ट। तो ये किससे, कौन से किससे कनेक्ट होते हैं ये पूछा गया है। तो बीजीए पोर्ट होता है भाई, आप इसमें क्या कनेक्ट करेंगे, बीजीए पोर्ट पर हम लोग कनेक्ट करते हैं मॉनिटर, पैरेलल पोर्ट पर कनेक्ट होता है प्रिंटर, सीरियल पोर्ट पर मॉडेम, इथरनेट पोर्ट फ्लैश, नो, इथरनेट पोर्ट डीएसएल और यूएसबी पोर्ट फ्लैश ड्राइव, ये हो जाएगा। अगर मैच करने की बात आती है तो ये आपके हमारे क्या बनेंगे भाई, राइट आंसर बनेंगे। तो 58 का मैच कर लो भाई 59 में। नेक्स्ट इसमें आपका स्पेस दिया हुआ है, की एंड द की कैन बी यूज इन द कॉम्बिनेशन विद अदर की टू बी परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। तो कंट्रोल ऑल्ट फंक्शन टॉगल या फिर डिलीट इंसर्ट या कैप्स लॉक नम लॉक, ध्यान रखना कंट्रोल और ऑल्ट ये दोनों की ऐसी होती हैं जो कि हमारी कॉम्बिनेशन से काम करते हैं, इनको हम लोग मॉडिफायर की भी कहते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, ऑल्ट प्लस F4, इसमें क्या होता है मॉडिफाई करके की को बनाया जाता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है सर आपका, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी होता है, लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं तो हम आंसर क्या लगाएंगे, फोर्थ लगेगा ऑप्शन आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, डेजिबल प्रिंटर जो है वो मैट्रिक्स है, इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या मैनुअल है। तो डेजी प्रिंटर की व्हील की बात की जाए सर आपका, तो डेजिबल प्रिंटर आपका जो है कैसा है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है जो साउंडेबल होता है, आवाज करता है, आवाज करने वाला प्रिंटर जो है वो कौन सा होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। इसमें आपका डीएमपी प्रिंटर भी आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो OCR होगा, OMR होगा या फिर MICR होगा, क्या आंसर बनेगा। जो डायरेक्ट प्रिंट आपकी जो इमेज स्कैनिंग जो होती है वो कौन करता है, उसे करता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
OCR is the right answer. The output quality of a printer is measured by dot per inch, dot per square inch, dots printed per unit time, या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव. बताइए भाई क्या आंसर बनेगा. बट डॉट पर इंच ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. In most IBM PC, the CPU and the device drive, memory expansion slot and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? Motherboard होगा या फिर motherboard होगा, daughterboard होगा, क्या आंसर बनेगा? भाई वो होता है आपका मदरबोर्ड, जहां पर आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स माउंटेड होते हैं या कनेक्ट किए जाते हैं. ठीक है रवीना, क्लियर पॉइंट. सालनी सिंह क्लियर है, तो क्या होगा? मदरबोर्ड. डिफरेंट कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी प्रोसेसर यूनिट लिंक टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन्स. व्हाट आर दीज लाइन्स कॉल्ड? इन लाइन को क्या कहा जाता है? जो लाइनें बनी होती हैं मदरबोर्ड पर, उन लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं, बसेस कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं. तो भाई आपका आंसर बनेगा बसेस. विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? कौन सा प्रिंटर सर आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होता है? बताओ रवीना क्या आंसर बनेगा. बच्चों यार सेशन को शेयर करते रहो और भाई सेशन को लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि सेशन केवल आप लोगों के लिए लेके आता हूं मैं, आप समझ रहे हैं ना. हाँ क्या आंसर बनेगा आपका? लेजर प्रिंटर. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल गिव्स विच गिव्स यू प्रिंट आउट? वो सर आपका टर्मिनल जो आपको क्या करता है? प्रिंट आउट देता है. तो प्रिंट आउट आपको क्या मिलेगा? हार्ड कॉपी से मिलता है. तो क्या कहलाएगा वो? हार्ड कॉपी टर्मिनल. ठीक है नेक्स्ट है आपका सर. विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो भाई क्या आंसर बनेगा आपका यहां पर बताइए. प्रिंटर होगा, कीबोर्ड होगा, या ए या बी या फिर सी आंसर बनेगा. प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, मॉडेम. तो सर आउटपुट वाइज आपका इसमें से कौन सा नहीं है? कीबोर्ड नहीं है. कीबोर्ड कैसा है आपका? कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस.
विच वन वर्क्स एज एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जैसा इनपुट भी काम करता है और ऐसा आउटपुट भी काम करता है? तो वो है आपका मॉडेम, जो एक एज अ इनपुट भी काम करेगा और एज अ आउटपुट भी। ठीक है, मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर तो आपका केवल आउटपुट होता है। ठीक है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है क्या होता है आपका? सीपीयू होता है। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज द हार्ड ड्राइव होता है, मदरबोर्ड होता है, फादर बोर्ड या फिर मदर बोर्ड या मेन बोर्ड। तो बताया मैंने आपको, जो मेन बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? मदर बोर्ड कहते हैं। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज, क्या से बनेगा इसका? फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम ड्राइव है, मॉनिटर है, माइक्रो प्रोसेसर है या फिर नन ऑफ दीज। आंसर बनेगा आपका यहां पर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन इज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ हो जाएगा। स्पेस दिया हुआ है इनेबल योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स। कौन सा पार्ट आपका एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है? वीडियो कार्ड होगा, एनआईसी होगा, साउंड कार्ड होगा या फिर कंट्रोलर कार्ड होगा या फिर नन ऑफ दीस। तो सर ये होता है आपका एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्पेस दिया हुआ है पोर्ट सेंड डेटा वन बिट एट अ टाइम एंड इज ऑफन यूज टू कनेक्ट मॉडेम टू द कंप्यूटर। तो सर वन बिट एट अ वन टाइम ट्रांसफर जो होती है वो कौन करता है आपका? सीरियल पोर्ट करता है। सीरियल पोर्ट सेंड डेटा वन बिट एट अ वन टाइम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, यूएसबी पोर्ट होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। पैरेलल पोर्ट जो होता है बेटा आपका, वो ग्रुप्स ऑफ बिट, ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसफर करता है वन टाइम। ठीक है सर,
इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। डिलीट की है, नम लॉक की है, कैप्स लॉक की है, ये की कौन सी में आती हैं? फंक्शन की कहलाती हैं या फिर टॉगल की कहलाती हैं या कर्सर कंट्रोल की या कंट्रोल की? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मुझे देंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक 75 क्वेश्चन तक कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू क्लास।